भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज की वीडियो। किसान भाइयों, अभी धान की सीजन चल रही है और हम इस समय गांव में जाके किसानों को धान के बारे में सही जानकारी दे रहे हैं। अभी धान जो है वो गभोट अवस्था में है, अभी बालियां जो है वो निकलने के लिए अपने गाभे में भर गई हैं। तो किसान भाइयों को इस समय अपने धान में किस प्रकार का फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि बालियां अच्छी आए और जो है ज्यादा पैदावार हो, नुकसान ना हो। तो किसान भाइयों, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो है एक एकड़ में 15 से 20 किलो यूरिया और 15 से 20 किलो पोटाश एक एकड़ में हमें इसका जो है बुआई करके और नमी को बनाए रखना है। पोटाश डालने से किसान भाइयों ये फायदा होगा कि आपके धान में पहिया जिसे फरहा कहते हैं वो नहीं होगा और आपका धान जो है वो खड़ा रहेगा। दूसरी बात है कि आपका दाना जो है चमकदार होगा और धान में पूरा का पूरा जो है दाना भरेगा और आपका मार्केट भाव अच्छा होगा। किसान भाइयों, अगर इसका प्रयोग आप करते हैं धान में अभी गभोट अवस्था के समय में पोटाश का, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।